नमस्कार। 7:30 के बाद सबसे ज़्यादा अगर डर लगता है तो वो है कुंडली में मंगल दोष होना या कुंडली मांगलिक होना। जैसे ही लड़का या लड़की शादी के उम्र के हो जाते हैं तभी अचानक से कुंडली में यह दोष पाया जाता है। तब तक ना तो इसकी चर्चा होती है घर पे, ना कोई जिक्र होता है, लेकिन जैसे ही शादी के लिए लड़का या लड़की देखने का समय आता है तभी कुंडली में मंगल है ये अचानक से एक्सप्लोर हो जाता है। ये एग्जैक्टली होता क्या है, मंगल को दोष क्यों कहा जाता है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मुझे बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करने वाली हूँ। और एक बात है कि मेरे पास जो लोग आते हैं जो शादी करना चाहते हैं, दे आर इंटू रिलेशनशिप, लेकिन दिक्कत ये होती है कि अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक नहीं है, तो ये घर पे कैसे बताया जाए, क्योंकि घर वाले तो ना ही बोलेंगे, या तो घर के जो ज्योतिषी के पास जाने वाले हैं वो ज्योतिषी भी ना ही बोलने वाले हैं, क्योंकि कुंडली मैच ही नहीं होती, क्योंकि एक को मंगल है और दूसरे को मंगल नहीं। तो क्या यह ठीक है कि एक का मांगलिक होना और दूसरे का मांगलिक नहीं होना तो अच्छी शादी निभा सकते हैं, मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है? ये भी एक क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि अगर हम शादी करते भी हैं तो क्या एक की डेथ होने वाली है? ये अचानक से समाज में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों फैलाई गई है पता नहीं, कि अगर एक मांगलिक है और अगर दूसरा मांगलिक नहीं है और अगर वो शादी करते हैं तो किसी एक की मौत होना तय है। दोस्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसलिए आज डिटेल में समझ लीजिए कि ये मंगल दोष या कुंडली मांगलिक होना इसका मतलब क्या होता है। पहले तो आपके कुंडली में 12वें ये आपका 12वां घर है, ये पहला घर है, ये चौथा घर है, ये 7वां घर है और ये 8वां घर है। अगर कुंडली में इस तरह से कहीं पे भी आपके होरोस्कोप में मंगल है तो आपकी कुंडली में मंगल है या आप मांगलिक हो ये कहा जा सकता है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं यहाँ पे मंगल होना भी मांगलिक माना गया है। इसकी वजह है मंगल को या किसी प्रत्येक एक ग्रह को अपनी एक दृष्टि है, एस्पेक्ट है, वो दृष्टि से ही वो घर को देखता है और वो घर को उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। मंगल को चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि है। अगर मंगल यहाँ पे है तो मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3 और 4 आपके पराक्रम भाव में जाएगी। सातवीं दृष्टि 5, 6, 7 आपके छठे स्थान में जाएगी और आठवीं दृष्टि यहाँ पे जाने वाली है, जो कि आपके लाइफ पार्टनर का घर है। और इसके ऊपर अगर दृष्टि जाती है तो कुछ इश्यूज मंगल क्रिएट करता है। वो क्या क्रिएट कर सकता है ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद अगर मंगल यहाँ पे है, पहले घर में ही है, तो मंगल की सातवीं दृष्टि यहाँ पे है, चौथी दृष्टि यहाँ पे है और आठवीं दृष्टि अष्टम भाव में है। ये भी मंगल कहीं ना कहीं स्लाइटली इश्यूज क्रिएट करता है। वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या वो देखेंगे? सारे के सारे जो भी मंगल, जहाँ पे भी मंगल बैठा है, जहाँ पे भी एस्पेक्ट करता है, उसकी चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि जहाँ पे भी होती है, वहाँ पे वो घर ज़्यादा से ज़्यादा मंगल के ही इफ़ेक्ट देता है। अभी मंगल दोष जिसे कहा जाता है वो हमने यहाँ पे देखा है। अगर मंगल ये भाव में है आपके कुंडली में तो इसे मंगल दोष या कुंडली मांगलिक की है या आप मांगलिक हो ये कहा जा सकता है। अभी यही मंगल दोष कैसे क्रिएट करता है या आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करता है, इसलिए हमें मंगल को समझना बहुत ज़रूरी है।
देखिए मंगल, ये इसका जो स्वभाव है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके फीचर्स जो हैं वो हैं, मंगल स्वाभाविकतः बहुत पैशनेट है, उसमें बहुत एनर्जी है, स्पीड है, वो खुद एडवेंचरस है। और ये सारी जो बातें हैं, इसलिए मंगल वाले लोगों को देखेंगे वो शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत होते हैं, तुरंत कुछ बैक आंसर्स देंगे, तुरंत कुछ जवाब देंगे, वो शांत नहीं बैठ सकते। दे आर वेरी एडवेंचरस, एक जगह पे नहीं बैठ सकते। अगर मांगलिक लोगों को पहचानना है या मंगल जिसको है उस पर्सन को पहचानना है, तो उसके साइंस भी है। उसके साइंस ये है कि वो एक जगह स्टेबल नहीं बैठ सकता, और कहीं पे बैठा है और वेट कर रहा है तो पैर हिलाएगा या मोबाइल देखेगा या ऐसे हिलेगा या कहीं ना कहीं राउंड मार के चला आएगा, लेकिन वो एक जगह पे बहुत सारा टाइम बैठ ही नहीं पाता। दैट इज़ मंगल कम्प्लीटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वो शांति से, वो एनर्जी उसे बैठने नहीं देती। उसमें स्पीड भी उतनी है। जब भी आप देखोगे कि रफ्तार से हाईवे पे अगर कोई बाइक लेके जा रहा है या कार लेके जा रहा है, तुरंत समझ ले कि वो पर्सन मांगलिक है, क्योंकि उसका मंगल उसको शांति से बैठने नहीं देगा। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि मुझे सबसे आगे निकलना है, सबसे आगे जाना है, क्योंकि एनर्जी है, स्पीड है और एडवेंचरस भी है। ये बात है। और अगर एक पर्सन को मंगल है, देखिए अभी हमने समझा है कि मांगलिक जब भी पर्सन होते हैं तो वो एडवेंचरस होते हैं, उनको स्पीड पसंद है, वो एनर्जेटिक है, पैशनेट है। किसी भी एक चीज़ के लिए अगर वो पैशनेट है तो वो चीज़ हासिल करने में वो पूरी एनर्जी लगा देंगे। और अगर एक पर्सन जिनकी शादी हो रही है उसमें से एक पर्सन को मंगल है तो उसका स्वभाव अभी हमने जान लिया है, और दूसरे पर्सन को अगर मंगल नहीं है तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, उसमें इतना एडवेंचरस नेचर नहीं रहेगा, उतना स्पीड नहीं रहेगा। तो दोनों कहीं ना कहीं संसार में या मैरिड लाइफ में कोप अप नहीं कर पाएंगे। अगर शनि रवि मतलब सैटरडे संडे अगर किसी एक को छुट्टी है और दूसरे को बोल रहा है कि चलो हम लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, तो जिसको मंगल नहीं है ही विल बी और शी विल बी वेरी रिलक्टेंट के नहीं नहीं जाते कहीं पे, आज आराम करते हैं। तो जिनको मंगल नहीं होता, इनफैक्ट वो पर्सन दे आर वेरी लो इन एनर्जी, लिथार्जिक, स्लाइटली लिथार्जिक, यस यू कैन से दैट दे आर लिथार्जिक। इसलिए ये बार बार मंगल की एनर्जी को हम लोग सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो पर्सन है उसको मंगल नहीं है, तो इसलिए ये कोपअप नहीं कर पाते, और इसी वजह से दूसरे के ऊपर इसका असर होना शुरू हो जाता है। दो में से किसी एक को ये जो डिफरेंस है ये सहन नहीं होता, और उसकी जो पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे मुरझाने लगती है, और इसी उसके ओरिजिनल पर्सनालिटी का अंत होता है। और इसे ही हम लोग बोलते हैं कि एक की डेथ हो गई, तो नॉट फिजिकली लेकिन उसकी पर्सनालिटी की डेथ हो जाती है, क्योंकि मंगल जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता, क्योंकि उसको उसके लाइफ पार्टनर से वो साथ नहीं मिलता। और इसलिए अगर किसी एक को मंगल है तो अगर लाइफ पार्टनर मांगलिक है तो लाइफ ज़्यादा बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है, आप कोप अप कर पाओगे दूसरे के एनर्जी को, आपके लाइफ पार्टनर के एनर्जी को आप समझ पाओगे। अगर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लव मैरिज में तो ये सारी बातें हम देख नहीं सकते, और ये स्वाभाविकतः एज इन एस्ट्रोलॉजी हम मानते हैं कि अगर लव मैरिज में लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो दैट इज़ टोटली अ नेचुरल अट्रैक्शन। ये नेचुरली स्वाभाविकतः ग्रहों ने उन्हें मिलाया है। तो एक तो मैच मेकिंग की तो बात होती ही नहीं है, लव मैरिज में मैच मेकिंग की ही नहीं जाती। और दूसरी बात, अगर मांगलिक एक है और दूसरा लाइफ पार्टनर आपका मांगलिक नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो जो अभी मैंने बताया, जो स्वभाव मैंने बताया, आपको दोनों को उस स्वभाव के ऊपर वर्कआउट करना है।
अगर एक को मंगल है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, स्पीड पसंद करता है, एडवेंचरस है, उसको स्लाइटली उसका स्पीड, उसकी एनर्जी, उसका पैशन, इसके ऊपर कंट्रोल आना होगा। और जो पर्सन मांगलिक नहीं है और जिसका स्पीड उतना नहीं है, जो इतना पैशनेट नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, तो उसको भी खुद में वो एनर्जी, वो स्पीड लाइफ पार्टनर के साथ कोप अप करने के लिए लानी होगी, तो ही आप आगे जा सकते हो, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। मैं समझती हूँ कि इसमें मंगल दोष, मांगलिक और जो भी क्वेश्चंस और डाउट्स थे, मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आई गेस कि ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे डाउट्स क्लियर आपके हो चुके होंगे। सो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।